जबलपुर के थाने बेलबाग के अंतर्गत आने वाला एक परिवार आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की दहलीज पर खड़ा हुआ है। वो न्याय चाहता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर लगभग 5 से 6 लड़कियाँ हैं और परिवार में बताया जा रहा है कि इनको जो है इन्हीं के सदस्य, परिवार के सदस्य जो है दूसरे अन्य, उनके द्वारा भारी मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? अलका वंशकार। क्या मामला है, आप लोग क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? प्रॉपर्टी विवाद है सर, शिवराम वंशकार के साथ, जो मेरे पापा के भाई हैं। वो हमारी प्रॉपर्टी को लेकर अपना हक जताते हैं सर, हम अपनी प्रॉपर्टी पे यूज नहीं कर सकते हैं सर। तो ये आप लोगों को जो, आप लोगों की ऐसी हालत किसने की, किसने मारपीट की आप लोगों के साथ? सुमित बंसकार ने, उनके सबसे छोटे बेटे शिवराम बंसकार के, रॉट। आपका हाथ जो है हम देख पा रहे हैं फ्रैक्चर हो गया क्या? हाँ, ये पूरा पूरी तरीके से फ्रैक्चर है। बेरहमी से जो आपको मारा, कितने लोगों ने मिलकर के आप लोगों के साथ में पूरा व्यवहार किया? सर 8 से 9 लोगों ने, जेंट्स ही जेंट्स थे और 2 लेडीजें थी, उन सब लोगों ने मिलके मारा है हम लोग। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के सर, सारे लोग। शिवराम के पुत्र 5, बासु, सोहित, रोहित, आशु, सुमित, ये सब मारे हैं सर हम लोग को। और सेता बहू है उसकी। अच्छा। और है आप ही के परिवार के सदस्य कहते हैं? जी सर जी। संपत्ति को लेकर के? संपत्ति को लेकर के सर। आप, आपका थाना कौन सा लगता है? बेलबाग थाना लगता है। आगे आ जाइए, हम आगे आपसे बात करेंगे। बेलबाग में थाने में आपने FIR दर्ज कराई? सर हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी कल 1:30 बजे। FIR हमने दोपहर में भी दर्ज कराई थी, तो उसके बाद में 3-1.5 घंटे हम लोगों को वहां बैठाया गया। उसके बाद में बोला गया आप लोग जाइए यहां से, पुलिस प्रोटेक्शन जाएगा, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं आया। शाम को ये घटना घटी 6 बजे। ये लोग, मतलब हम लोग थाने से आए, वो लोग एकदम से जान में हमला कर दिए औजार लेके, तो राठ से मारा है, लाठियों से मारा और तलवार निकाल के मारा है। बासु मारा है, सुमित मारा है, रोहित मारा, शिवराम मारा, श्वेता मारी। मतलब FIR आप लोग की लिख गई है? FIR लिख गई है सर, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा सुनवाई नहीं है। अभी देख लीजिए, कल शाम 6 बजे से हम लोग लेके आए विक्टोरिया हॉस्पिटल में, लेकिन ये बच्ची का हाथ पूरा फ्रैक्चर है, लेकिन इसको पलस्तर नहीं हुआ। ये बच्ची का दोनों हाथ क्रेक है, लेकिन इस बच्ची का भी कुछ नहीं हुआ है। मेरा सर फटा हुआ है, मेरी माँ का, ये मेरी सिस्टर का चोट है सर, ये हैंड में चोट है। क्या नाम है आपका? अलका वंशकार। और आपका नाम क्या है? मेरा सुमित्रा वंशकार सर। मेरे को यहाँ मारे, ये हम लोग 2014 में ये घटना इसने की थी और 2024 में इसने दोहरा दी है। अब इस बार इसने की है तो बोलता मैं इधर से जाऊंगा तो मैं जान से मार दूंगा। देखिए, ये देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ पर 4 से 5 बालिकाएं हैं, युवतियां हैं, और अभी हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा का भी समय चल रहा है, और ऐसे की परीक्षा के समय में हम देख पा रहे हैं कि आप स्कूल में, मुझे लगता है कि आप स्कूल में पेपर है, मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट कॉलेज में, हाँ MKB कॉलेज। आप में से भी क्या, आप भी कॉलेज में स्कूल? ITI रनिंग चल रहा है। जहाँ एक और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अधिकतर मामले जो हैं लड़ाई झगड़े के, पारिवारिक ऐसे जो मामले हैं, हिंसा के मामले ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पर सरकारें दावा करती हैं कि महिलाओं के प्रति उन्होंने काफ़ी काम किया है, सजगता लाई है, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जबलपुर में हमें देखने के लिए, इस पूरी बातों से जो है कहीं ना कहीं ये मिलता है देखने के लिए कि अभी भी पूरी तरीके से जो भी शांति व्यवस्था सरकारें चाह रही हैं या पुलिस प्रशासन चाह रहा है महिलाओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कायम नहीं हो पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मामले आप तक पहुंचते रहें और हम जबलपुर की जनता के मुद्दों को हमेशा की तरह हमेशा आगे निरंतर उठाते रहें, तो दलुक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, दलुक न्यूज़, जबलपुर।